Buzz! क्या काम है? मैं काम ये है कि जिसे पिकअप मौसम तोड़ दे रही है। मौसम तोड़ दे रही है। गलत प्लेट का ही काम है। महक रहा है क्या? थोड़ा मोड़ा मांस मारता है। गलत प्लेट जैसे महक रहा है। ठीक है ठीक है, आप गाड़ी लगाओ, हम चेक करते हैं। जाने दो सीधा ऐसा। चलो। बस ये ऊपर का कलर सिलेंडर खोल के साइड में रख दिए हैं, और ये केबल जो है इस तरफ वाला स्टैंड के साथ खोल लेना है। केबल का सेटिंग खराब नहीं होगा कभी भी, और आगे वाला केबल भी जो है वो स्टैंड के साथ वहाँ से खोल के साइड में कर दिए हैं। एक जो लीवर मैनेजमेंट है उसको लेफ्ट राइट सेक्शन में सिलेक्ट करता है, और एक गियर एंगेज, न्यूट्रल और एंगेज करने का काम करता है। हमने खोल दिया है, ये गियर खोल दिया है, क्लच खोलने की तैयारी है, और ये क्लच हाउसिंग के अंदर ये पाउडर दिख रहा है, ये सब साफ कर लेना है, क्योंकि ये कई बार का होगा, ये प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, फिर वो स्किन पे यही पाउडर फंस के स्किन को स्लिप मारने के लिए एरर करता है। और ये रस्सी से हमने उतारा है, ऐसे हाइड्रा से भी उतारते हैं, रस्सी से भी 6 आदमी लगेंगे तो उतर जाता, रस्सी सही से बांध के पाइप के थ्रू, और ये हाउसिंग के ऊपर ये बॉडी पे रख लिए हैं। क्लच का काम करने के बाद इसको उठा के फिर वापस यहीं पर फिटिंग कर देंगे। ये क्लच खोलने का काम चालू है, ये पहले प्रेशर प्लेट खोल लेंगे तो फ्लाई क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट साथ में निकल आएगा, और इसका कैसा है स्किन वो देखने के बाद लेथ में देना है, कटिंग करने या बदली करने वो बाद में डिसीजन लेना है। हाँ चल आराम से, ठीक है फेसी के अंदर लगा हुआ 709 का नहीं है। चलो चल आना जाए, रखो वहीं पे रखो, प्रेशर प्लेट भी वहीं पे रखो, उठा पकड़। ये इसका स्किन कड़क हो गया है, ये स्किन है ना ये चाम हो गया, एकदम बारीक चाम हो गया है चारों तरफ से, वो फ्रिक्शन होने नहीं दे रहा है। ये प्रेशर प्लेट पे जो काला भाग दिख रहा है रुक रुक के, कहीं कहीं काला है कहीं कहीं सफ़ेद है, तो जो काला वाला है वो चाम है, वो इतना हीट होके लाल हो गया है कि उस पर टूल भी नहीं चलेगा, तो क्लच प्लेट तो स्लिप मारेगा ही मारेगा, तो टूल भी नहीं चलता है जब, तो उसको लेथ मशीन वाले उसको ग्राइंडर से कटिंग पॉलिश करते हैं। ये फ्लाईव्हील खोलने का काम चालू है, फ्लाईव्हील खोल के लेथ मशीन पे पॉलिश पे देने वाले हैं, निकल जाता है तो। ये क्लच प्लेट जो है उसका स्किन ये जल चुका है, स्लिप हो रहा है, ये मतलब इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये जैसे का तैसा ही घूम रहा है, ये यूज होना चाहिए, यूज नहीं हो रहा, जितना था उतने पे ही पड़ा हुआ है। और ये इसके जो कट दिख रहे हैं, ये कट में पाउडर भर जाएगा तो फिर वो पाउडर और ज़्यादा पाउडर एक्सेप्ट करने की जगह नहीं रहेगी, तो भी स्लिप मारेगा। ये जो फराना का हमने क्लच खोला था उसका फ्लाईव्हील पे ये जो चाम हो गया है, ये चाम दिखाई दे रहा है, ये चाम टूल से देखिए, अभी भी मशीन रोका, मशीन रोको, ये एकदम ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये चाम है, ये ओवर हीट हो गया है, और ये टूल से भी नहीं कटा है, तो इसको ये पॉलिश कटिंग जितना निकलता है निकालने के बाद इसको यहाँ से ग्राइंडर मशीन, इसी स्लाइडर पे ग्राइंडर लगा के और उसको फिर पॉलिश कटिंग करना पड़ेगा, तब वो निकलेगा। चालू करो लाल जी, कितना टाइम लगेगा इसको? आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाता है ऐसा मेरे को बताना, ये फिटिंग करना है। ये प्रेशर प्लेट कटिंग करने के लिए उसको पकड़ने के लिए यहाँ से ये डिजाइन मुड़ा हुआ है, तो इस पर ऐसा हब वेल्डिंग कर लेते हैं थ्रू करके थोड़ा सा, और फाइनल थ्रू तो मशीन में ही होता है,
और वेल्डिंग करने के बाद ये देखिए, ये कटिंग पॉलिश हुआ है, इसको कटिंग करने के बाद ये जो लकीर लकीर दिख रही है, चमक रही है, ये ग्राइंडर का निशान है। तो सेम इसी तरह फ्राईव्हील में भी ग्राइंडर कटिंग होने के बाद मार लेंगे तो वो एकदम सही हो जाता है। अब इसके ऊपर नया क्लच प्लेट डालेंगे तो फ्रिक्शन एकदम परफेक्ट आएगा, मतलब इंजन का जितना भी पावर है वो ट्रांसमिशन को, मतलब गियर को फुल पावर ट्रांसमिट होगा और गाड़ी का फ्रिक्शन होगा तो वो टॉर्क आएगा और वो ताकत करेगी, लोड पे भी सही सही चलेगी। ये फ्लाईव्हील फिटिंग हो रहा है, इसके बाद क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिटिंग करेंगे। ये प्रेशर प्लेट फिटिंग हो रहा है, इसके ठेसी में सही से ठेसी में बैठाने के बाद इसका सभी बोल्ट हाथ से लगा देना है और उसके बाद क्लच प्लेट को लाइन करके बीच में कुछ डाल लेंगे और साइड साइड से भी फेस देख लेंगे, उसको लाइन करने के बाद उसको फिटिंग कर लेना है। क्लच बेयरिंग जो फिटिंग करेंगे तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग के लिए ग्रीस लगा देंगे ताकि सही से स्लिप हो, रिटर्न अच्छी तरह से हो। और ये क्लच फोर्क में देखिए धूल मिट्टी लगा है, ये सबको साफ कर लेना है सही से, उसके बाद क्लच बेयरिंग ग्रीस लगा के फिटिंग करना। क्या क्लच का काम हो गया है और उसका अब ट्रायल चल रहा है। लो आगे लो, अब ये रेडी हो गई है, क्लच में हमने अच्छा खासा प्ले भी रखा है, जल्दी उठेगी गाड़ी। आगे लो, आगे आगे लो, हे आगे चला, आगे चला।